हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिकिली की टीवी। तो चलिए आज हम परिसर अध्ययन का अध्ययन करते हैं। पाठ है पहला, प्राणियों का जीवन क्रम। दोस्तों हम लोग ने आज तक बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है, तो आज परिसर अध्ययन के बारे में हम प्राणियों के जीवन क्रम के बारे में जानते हैं। यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, कुत्ते के पिल्ले और उसकी माँ को देखो, क्या उनमें समानता दिखाई देती है? तितली और उसके अंडे से बाहर आने वाली इल्ली को देखो, हाँ दोस्तों, तितली के जो अंडे होते हैं उसको इल्ली कहते हैं, क्या उन दोनों में समानता दिखाई देती है? तो आगे हम इसी बारे में बात करेंगे। नीचे देखिए लिखा है, बताओ तो, मुर्गी अंडे देती है, उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं, क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों में से बाहर निकलते हैं? बताइए। तो आगे देखते हैं हम कि प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है। बकरी के मेमनों और वयस्क बकरी, उनके बाह्य रूप में बहुत ही अंतर होता है। बिल्ली के बिलोटों और बड़ी बिल्ली में भी अधिक अंतर नहीं होता। ये प्राणी अंडे नहीं देते, इनके शिशुओं की वृद्धि उदर मतलब पेट में होती है, माँ के उदर से ही इनका जन्म होता है। ये प्राणी अंडे नहीं देते, परंतु कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ प्राणी अंडे देते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है, मुर्गी के चूजों का अंडों में से जन्म कैसे होता है। चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये सभी प्राणी अंडे देते हैं। इन प्राणियों के अंडे हमें यहाँ वहाँ दिखाई नहीं देते। कुछ अत्यंत छोटे प्राणियों के अंडे भी बहुत छोटे होते हैं, वे तो हमें आसानी से दिखाई ही नहीं देते, अतः हमारे ध्यान में ही नहीं आता कि ये प्राणी अंडे देते हैं कि नहीं देते। परंतु मुर्गी अंडे देती है, हमें इसकी निश्चित रूप से जानकारी होती है। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि ये हमें आसानी से दिखाई देते हैं। अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी के अंडों पर बैठने की क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। मुर्गी अंडे देती है, ऐसी ही छोटी बड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और वीडियो के आगे हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। उसके लिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को सेती है। अंडों के अंदर स्थित चूजे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वृद्धि पूर्ण होने पर चूजे अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर आते हैं। चूजों के कुछ बड़े होने तक मुर्गी उन चूजों का ध्यान। आगे की वीडियो हमारी तितलियों में होने वाला रूपांतरण, यह टॉपिक है, आप हमारे वीडियोस को ज़रूर देख रखती है। हमारे चैनल पर आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।